ये जो सरकार ने नई स्कीम निकाली है ना, इससे एक्चुअली फ़ायदा है किसको और कितना ज़्यादा फ़ायदा है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, अगर आप ये सोच कर आए हैं कि अपने देश के जवानों को इस स्कीम से कुछ फ़ायदा है, तो बेशक आप वीडियो छोड़कर चले जाइए, क्योंकि फ़ायदा अपने जवानों को बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए, जो जवान होते हैं देश के, वो सेना में भर्ती इसलिए होते हैं ताकि वो अपने देश के लिए मर मिट सके, अपने देश के लिए सेवा कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहली बात तो उनकी सेवा में ही कटौती हो रही है, क्योंकि वो तो ये चाहते हैं ना कि ज़िंदगी भर वो देश की सेवा करते रहें, जबकि उनको सिर्फ 4 साल सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो पहले तो यही कटौती हो जा रही है। दूसरी बात, वो जो बंदा है, इतनी मेहनत करने के बाद वो आर्मी में सेलेक्ट हुआ है और 4 साल के बाद वो रिटायर, अब जो बाकी की ज़िंदगी है वो कैसे गुजरेगी उसके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो 4 साल बाद बेरोज़गार एक्चुअली हो चुका है। और एक तरीके से इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो भी उसकी बेकार होने वाली है। अगर आप ये बात कहते हैं कि भाई देश उसके लिए एक पैकेज भी देगी, तो उससे वास्तव में कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। वास्तविकता यह है कि वो बेरोज़गार हो चुका है, और बेरोज़गार की इस देश के अंदर कितनी इज्जत है सभी को पता है। अब दूसरी बात यह है कि वास्तव में फिर इससे फ़ायदा है किसको? तो देखिए, सीधा साधा डायरेक्टली बात करेंगे वीडियो में कि फ़ायदा है सरकार को, और फ़ायदा एक्चुअली है क्या वो बताते हैं। पहले, किसी भी जवान को रिटायर होने में लगभग कम से कम 16 साल 17 साल 18 साल लग जाते थे, लेकिन अब किसी भी जवान को रिटायर होने में सिर्फ 4 साल लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो जवान देश के अंदर बार बार आवाज़ उठाते थे कि भाई भर्ती नहीं निकली है, तो एक तो उसका पंगा ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, जब भर्तियां बार बार निकलेंगी तो फॉर्म भी भरेंगे, जब फॉर्म भरेंगे तो उसका पैसा या फिर एक तरीके से कमाई होगी किसको? जाहिर सी बात है, सरकार को ही होगी। तो कहने का मतलब है, सरकार पैसे भी कमाएगी, वाहवाही भी लूटेगी। अब सरकार का क्या कहना है कि वो 25% लोगों को आगे बढ़ोतरी करेगी, लेकिन वास्तविकता तो ये है ना कि वो सिर्फ 25% को आगे फॉरवर्ड करेगी, लेकिन बाकी के जो 75% है वो तो वापस घर आने वाले हैं ना।